सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के लिए। आज मैं आपको बरुथनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बैसाख कृष्ण पक्ष में बरुथनी एकादशी आती है और इस बार बरुथनी एकादशी 30 अप्रैल मंगलवार के दिन आएगी और इस दिन खरबूजा का सागार किया जाता है और खरबूजे जो है वो मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कहानी जरूर सुननी चाहिए, इसका पूरा फल मिलता है। तो कहानी इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, तो कृपा पूर्वक हमें कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या के करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है और उससे भी उत्तम तिल का दान है और तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्या दान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्या दान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे पहले के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त गुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही कुछ वस्तुएं हैं जिनको त्याग देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चला, चना, कांदा, शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्री का संग, उस दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए, शहद नहीं करना चाहिए, उस दिन पान नहीं खाना चाहिए, दातून नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, उस दिन क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक तेल और अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के बराबर है। और कथा का सार है, संयम और सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा सब बेकार है। तो अगर आप एकादशी की व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। और मैंने आपको ये जो कहानी सुनाई है, अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें,